हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भामाशाहों द्वारा निर्मित पानी की टंकी का किया शुभारंभ। सार्वजनिक शमशान घाट गोयली पर भामाशाहों द्वारा बनवाई गई नव निर्मित बहुमंजिला टंकी को ग्रामीणों की उपस्थिति में विधि विधान से गांव को सुपुत्र की गई, जिसमें गांव के करीब 21 दान वीरों ने उक्त बहुमंजिला टंकी निर्माण में अपने प्रति व्यक्ति 51,300 रुपए की धन राशि का सहयोग किया है। टंकी के नीचे एक बढ़िया रूम तथा ऊपर पक्षियों के दाने डालने का व सबसे ऊपर विशाल टंकी बनाई गई है। उक्त विशाल टंकी निर्माण में अगर सबसे बड़ी कर्म की भूमिका किसी व्यक्ति की है तो वो है अमरा राम जी माली, जिन्होंने भाग दौड़ कर कम समय में बहुत ही शानदार बहुमंजिला पानी की टंकी का निर्माण करवाने में सहयोग किया, जिस पर गांव वासियों ने व सभी भामाशाहों ने अमरा राम जी को धन्यवाद ज्ञापित कर आभार प्रकट किया। उक्त मौके पर ग्राम वासियों के समक्ष टंकी निर्माण में आए वो व्यय का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम वासियों ने संतुष्टि जाहिर कर सभी भामाशाहों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस विशाल कार्य को देखते हुए अब पुरानी पंचायत भवन के पास खेतला जी मंदिर के सामने महिलाओं के स्नान के लिए स्नान गृह बनाने का भी ग्राम वासियों ने सर्व समिति से निर्णय किया है, जिस पर योजना चल रही है। प्रति व्यक्ति 25,000 इकट्ठा करने का निर्णय लिया है। कोई भी दानदाता अपना नाम महिला स्नान गृह निर्माण के धन राशि के सहयोग के रूप लिखवा सकता है। पहले खेतला जी मंदिर परिसर में महिलाओं माता बहनों को खुले में स्नान करने में असुविधा रहती थी। महिला स्नान गृह बनने से ये समस्या खत्म हो जाएगी। इस मौके पर सभी भामाशाह व ग्रामवासी उपस्थित रहे। जागरूक टीवी की गोयली से गणेश मेघवाल की रिपोर्ट।